लंबा गहरा श्वास लेंगे 3 दफे, उसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र, स्वाध्याय मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम होगा, उसके बाद योगिंग जोगिंग होगा, सूर्य नमस्कार होगा, 8 प्रणाम होंगे, सिंहासन, हस्यासन, शांति पाठ करके 6:15 बजे छोड़ देंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहि सुगन्धिन् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवमन्दना मृत्युमोक्षेतमामृतात्। ॐ सहनावतु श्यहनौ भुनक्तु श्यः वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असितो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृतो मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्यप दुख भाव भवे। ओम शांति शांति शांति। विश्राम, दोनों हाथों को ऊपर करिए, उसके बाद मसाज करेंगे, मसाज करके आंखें इसी में खोल देंगे, ठीक है। मंत्र पाठ अंतिम में करेंगे। चलिए आइए, राष्ट्रीय वंदना, राष्ट्रीय गान होगा। जन गण मन अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर मुंडा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल दाहिना उठाइए इसको, 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर दूसरा पैर बाया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5।
अब इसको चलाइए थोड़ा थोड़ा, सांस पर सांस लेके धीरे से लेना है, धीरे से चलाइए थोड़ा थोड़ा। ये सूक्ष्म व्यायाम है, योग करने से पहले इसको जरूरी बेसरा, दोनों घुटने पे ले आइए इसको धीरे से, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। अब इसको नीचे ऊपर, एक दो तीन चार पाँच, मिश्रा। अब दोनों पैर खोल दीजिए, कमर को, खाली कमर को हिलाना, एक दो तीन चार पाँच, फिर विपरीत, एक दो तीन चार पाँच, मिश्रा। ताड़ा से दोनों हाथ ऊपर, श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। ताड़ा सा चलाइए, दोनों पैर खोल दीजिए, दाहिना फिर बाया, दो दो दफे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। दूसरा, अब दोनों हाथ आगे हो, दाहिने तरफ घुमाइए, आगे श्वास ले, श्वास को लेना है छोड़ना है, ये डेली करना है। फिर दूसरी तरफ बिस्रा। अब शंखासन में बैठ जाइए, नीचे शंखासन में श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, बिस्रा। संपूर्ण ओम
आनंद पूर्वक करिए। तीसरा लेना है, श्वास छोड़ना है, यही जिंदगी है। गलत चला चलिए चलाइए। प्रवाह पावित स्थले दस नंबर गले बलम बलम एक दो तीन चार एक मालिका दो तीन चार एक दो तीन चार एक दमट 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 मन्नी नात वट मर भयम दो तीन चकार चंड तांडवम तनु तुना शिवः शिवम बार नंबर जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थली कली बलंग लंग तंभुजंग तंग माल मट 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 मन्नी नाथ वट मरवय चकार चंड तांडव तनुतन शिव शिवम कटाह संभ्रम भ्रमण लिंप निर्झर बिलोल विललाट पट पावक किशोर चंद्र शेखर पति प्रति क्षण मम सभी लिप्रेम भाव को साधना जोरदार ताली बना लो ना धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस्फुति गंत संतति प्रमोद मान मानस कटक्ष तोरण निरुद्ध दुर्धरा पति छेदि गंबरे मन विनोद मेतु वस्तुनी भुजंग पिंगल स्फुर प्रणामणि प्रभा कदंब कुंकुम द्रव कलित दिग्वतोमुखंद सिंदुर स्फुर गोतरीय मेदुर अनुबिनोत मद्भुत विभर्त भूत भत्तरी लोचना प्रभृत शेष लेख शेखर पशुन धूलि धूरण विदूसरा जंग राम
यजमानय निपत्त जाट जूटक शिरीशिराय जायत चकूर पंदु शेखर ज्वल धनंजय स्फुलिंग निपीत पंच सायक नमन्निलिम्बनाराकोजमान शेखर महाकपाल संपद शिरोजटाल मस्तुलः ज्वल धनंजयाहुते कृत प्रचंड पंच सायक राधिरंद नंदिन विचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिन त्रिलोचनेर तिर्मम मंडली निरूर्ध दुर्धर स्फुर कुहीन शेति नितम प्रबंध बद्ध कंद लिंप निर्झरी धर स्तनोत प्रीत सिंधुर अलाव निधान बंधुर स्वयं जगत धुरंधर ಸರ್ವಮಂಗಲಾಕಲಾಕದಂಬ ಮಂಜರಿ ರಸ ಪ್ರವಾಹ ಮಾಧುರಿ पंद्रह दफे दैनिक घर में करेंगे तो समझिए ये राजा आसन है। सूर्य नमस्कार जो है योग का राजा आसन है, जैसे शीर्षासन है, लोग वो डायलिसिस कराते हैं, कभी एक 15 दिन में कराते हैं कभी ब्लड के लिए, तो ऐसे ही है शीर्षासन भी, वो डायलिसिस के लिए बहुत बढ़िया। जो शीर्षासन करता है उसका मस्ती के सही रहता है, लेकिन धीरे धीरे करना होगा। 40 साल के बाद लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब योग में 1-2 साल 4 साल करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन निरंजन, एकदम निरंतर, निरंजन और निरंतर, जैसे श्वास हमारा चल रहा है ऐसे ही योग भी
धीरे 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 दो चार साल पाँच साल के बाद आपका एकदम पूरा हो जाएगा। इसीलिए सूर्य नमस्कार को हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, सूर्य नमस्कार एकदम ज़रूरी है करना। चलिए आइए करते हैं, कम से कम कितनी बार करेंगे, कितनी बार करेंगे, इधर से दस बार करेंगे। कितना हुआ? सात। सात हुआ, तीन बार और अभी करना है। चलिए एक दो तीन चार पांच छः सात
आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। अब लास्ट धीरे धीरे करिए, सब करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह मिस्टर दंड का। मिस्टर दंड बैठक नहीं करेंगे, मिस्टर दंड करेंगे। बारह आठ बीस उन्नीस नहीं करेंगे, बीसवां करेंगे। मिस्टर दंड तीन दफे करिए कम से कम, ठीक है। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। अब ये तो धीरे धीरे हो गया, बुजुर्गों के लिए, जो जवान जवान है उनके लिए। जवान जवान आओ, यहाँ जवान आदमी आओ, आप आइए, दौड़ के आइए, दौड़ के बुलाएं तो दौड़ के आइए। यहाँ पर उधर घूम के फास्ट करेंगे, ठीक है। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। बेसरा जोरदार ताली। चलिए अब मंडूक आसन शुरू करते हैं। सांस लेना है, थोड़ा थोड़ा मंद मुस्कान दीजिए ना अंदर अंदर, जैसे कहीं लड़ाई करके आए हैं, ऐसे करके हंसिए थोड़ा थोड़ा प्रेम से। हाँ, गड़बड़ हो जाता है, देखिए दस लोग हंसते हैं एक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हंसिए, अब सबके लिए नहीं कहा, एक के लिए कहा। अब आप सब ने मंडू का सकते ये मुद्रा लगाइए, दोनों हाथ नाभि के नीचे दो इंची लगाइए, उसके बाद गहरा लंबा सांस लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, अंदर लीजिए पेट को। रोकिए, दृश्य आगे होगा। ये शुगर के लिए बहुत बढ़िया है, दुनिया में ऐसी दवाई नहीं मिली, ये असली। हिंदी में कहते हैं राम बाण, चलाइए। एंटीबायोटिक खाते ही दर्द खत्म भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, चलाइए। हम बाया हाथ नाभि में, ये समस्या क्यों आती है, क्योंकि हम लोग आजकल इलास्टिक वाला पहनते ना, सरल और तरल चाहिए, इलास्टिक वाला अंडरवियर, इलास्टिक वाला ये क्या कहते हैं पैंट, इलास्टिक वाला वो क्या झुलवा बोलते हैं, वो इलास्टिक, वो नाभि के ऊपर बांध दीजिए, से बांध दीजिए, जीवन में पेट की समस्या गैस्ट्रिक कब्जियत नहीं होगी, लेकिन करना होगा। आप लोग तो क्या कहते हैं, जवान है हम लोग, पैंट टाइट पहनने से फट जाता है, कहीं जोर उठाएगी है, ढीला ढाला कपड़ा पहनिए शरीर के लिए आरामदायक। अब हम लोग तो क्या कहते हैं, आजकल बेल्ट बांधते हैं, इलास्टिक पहनते हैं, तभी तो गड़बड़ हो जाता है। पहले महिलाएं पटुका बांधती थी, नेपाल में पटुका बोलते हैं, इंडिया में क्या बोलते हैं, वो बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत बांधा जाता है, सब लोग बांधिए तो फायदा होता है, लोग नहीं बांधते, जैसे ऐसे बांधा जाता है। देखिए हमने कहाँ बांध रखा है, नाभि के ऊपर, देखिए
ये भी नाभि को बांध रखा, अंदर भी नाभि, तीन स्टेप है हमारे पास और तीनों नाभि में बांध रखा है, गड़बड़ नहीं होगा। अब हम लोग तो एक भी नहीं बांधते, इसीलिए पेनक्रियास को सही करना है तो नाभि में धागा बांधना होगा, धागा बांध देंगे, नाड़ा बोलते हैं ना, वो बांध देंगे तो ये ठीक रहेगा। ठीक है, कोशिश करिएगा, चलिए ये लगाइए इसके ऊपर, ये मंडूकासन दृश्य आगे, पेनक्रियास यहीं से होता है, शुगर यहीं से होता है, प्रेशर यहीं से होता है, डिप्रेशन यहीं से, ये संसार सबसे खतरनाक चीज है। ब्रह्म कुंड भी इसी को कहते हैं। चलिए चलाइए इसको डेली, अब रस्सी तो नहीं बांधते हैं, क्या करें, तो करना ही पड़ेगा। विश्राम, अब इसी में शशक आसन, ये चलाइए, पैर खोल दीजिए, इसका दूसरा पैर, ये भी बहुत फायदा है, लोग सुबह लेटरिन नहीं जा पाते हैं। छाती को खाली जमीन पे, छाती को, पेट को नहीं, विश्राम थोड़ा कर लेते हैं, पैर को थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसके लिए भी मजबूत होना होगा। सब जगह हो रहा है कार्यक्रम, पहले हो जाइए, उसी दिन करेंगे 108 1008 सूर्य नमस्कार करेंगे ना, आप ठंड में करना पड़ेगा, ठंडी गर्मी नहीं होता योगी के लिए, इसीलिए कहते हैं ना, एक दफे खाई योगी, दो दफे खाई भोगी, तीन दफे खाई रोगी और चार दफे खाई सर्वभोगी, क्या बनना है वो आप लोग जानते हैं। चलिए मन को लगाइए, देखिए हम मन लगा के आ जाते हैं टीकापुर से, आज 80 दिन हो गया, 85 दिन हो गया, ये दूसरी तरफ डेली आ रहा हूँ, आप दो दिन एक दिन हम हमारे साथ चलिए, 4 बजे पांच दिन तो शनि का है, विश्राम। अब दोनों हाथ कमर पे ले आइए, जो मोटे मोटे हैं, तगड़े तगड़े हैं, उनके लिए। जीवन में योग जैसा एंटीबायोटिक कुछ नहीं, चलाइए विश्राम। अब इसको दोनों पैर को इसमें लगा दीजिए, जमीन पर पुष्ट आसन करेंगे, पहले झूला झूलेंगे इसमें, सावन आ रहा है, सावन में झूला झूलते हैं ना, पैसा डाल डाल के झूलते हैं, फ्री में है योग में, देखिए चलाइए पुष्ट आसन। अब इसको दोनों को एड़ी के पकड़ेंगे, पेट को ऊपर उठा देंगे, ये बहुत जरूरी है, दो दो बार करेंगे पेट के लिए, इतना उठाइए, कोशिश करिए भाई साहब, कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती। चलिए दो दो कर, अब इसको दोनों को लगा देंगे, तो चरण और गुरु चरण ही साथ ही लाएगा। चलिए अब इसी को दोनों पैर को साइड में कर देंगे, शुद्ध वज्रासन, लेट जाइए, आइए आगे आइए, बकरासन करते हैं, बकरासन दोनों पैर, ये शुगर के लिए राम बाण है, समझिए एंटीबायोटिक है, जिसको शुगर है, प्रेशर है, डिप्रेशन है, तनाव, ये दो आसन जरूरी है, करना होगा। अब तो यहाँ तो सबका चला गया ना, लगभग लगभग
98% चला गया होगा, किसी का बाकी है क्या? सुनो, है तो बताइएगा। ये खींचिए इसको, उसके दोनों को खींचिए, उसके बाद दाहिना हाथ पीछे ले जाइए, बायां हाथ इसमें डाल दीजिए। इक्कीस जून को धूमधड़ा कैसे करना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। एक एक आदमी, कम से कम 10-10 आदमी को बुलाइए। शुगर 40-45 दिन में जड़ से चला जाता है। लोग कहते हैं 12 साल से शुगर है, 15 साल से शुगर है। अपना जबान को छेद कर दीजिए, सुधार दीजिए। बेसराम सबसे खतरनाक जवान है। अर्धमच्छेंद्र इसमें करिए, ये और बढ़िया है। करना होगा, लोग कहते कहते थक जाते हैं। गुरु लोग तो समझाते समझाते थक जाते, लास्ट में नेति नेति करके छोड़ देते। चलाइए, गुरु भी माँ के पेट से आता है, आप भी माँ के पेट से आते हैं। धरती पे जितने सत्काम जो करता है महान पुरुष बन जाता है धरती पे। विश्राम दो मुखा से ऐसे बैठे, इसमें मल द्वार को इसमें बंद करना है। दसवां द्वार, जिस दिन दसवार द्वार जान गए ना उस दिन जीवन बन जाएगा। दसवां द्वार जान, नौ द्वार खुले हैं, दसवां द्वार बंद है। नौ द्वार को बंद करके दसवां द्वार को खोलना है, उसी को कहते हैं ज्ञान, उसी को कहते हैं हम लोग अपरा करें। परा सात समुद्र पार है, वो सात समुद्र पार कैसे जाएंगे? कोशिश करें। गौमुखासन, कोई ढूंढो रे साधु गुरु चरणों का सहारा। चलिए चलाइए ये मंडुकासन, जीवन बदल जाएगा। खाली योग करने से नहीं होगा, आहार विहार भी शुद्धि करना होगा, धन शुद्धि, धन को भी शुद्धि करना होगा। धन भी हमारे पास ज्यादा है, धन को कैसे शुद्धि करना होगा, धन को शुद्धि कैसे करना होगा? धन को शुद्धि करना हो आहार विहार से, धन को कैसे शुद्धि करना हो दान से करना होगा। चलिए दूसरी तरफ विश्राम, मकरासन, खाया जाता है क्या? अब तो घट गई जैसे। चलिए चलाइए ये मकरासन, एक एक पैर, एक एक पैर क्यों चलाया जाता है? नदी में तैरने के लिए एक एक पैर, जो नदी में तैरता है ना उसका शरीर भी बढ़िया होता है। चलाइए, हम लोग ने सब छोड़ दिया, ये बचपन में किया था ये आसन। चलाइए मकरासन, कमर के लिए, मोटापा के लिए। चलिए भुजंगा, अर्धा आधा भुजंगा, दो दो दफे करेंगे। पूर्ण भुजंग पूरा, दोनों पैर जोड़ दीजिए पीछे। चलाइए दोनों पैर खोल दीजिए, तिरक भुजंगा, अब इसमें विश्राम करिए। बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ उठाइए,
उठा भजन गा सकते देखो श्वास को लेना है श्वास को छोड़ना है कमर के लिए राम बाण दबा बाया नीचे दाना ऊपर बेसरा दोनों हाथ सलवास नीचे जांघों के नीचे ये चैपू अंदर होगा ये नीचे एक एक कर भाई चलिए चलो दोनों पैर बेसरा दाहिना हाथ आगे बाएं हाथ पीछे फिर बाएं हाथ आगे दाहिना हाथ पीछे एक एक दाइए बाएं हाथ दाहिना पैर हाथ को भी कान में लगाइए दोनों हाथ पीछे उठाइए एक एक फिर बोतल तो फिर करें दोनों आसन अरे बाबू दोनों पकड़िए पकड़ना होगा और दोनों दाया दाया बालासन में लेटे बालासन संभा दे रहा हूँ बेसराम दूसरी तरफ धीरे धीरे ज्यादा देर में ही लटाएंगे नहीं तो सो जाएंगे बाया करवट लेते घूम जाएंगे मरकट आसन ये दोनों हाथ लीजिए दोनों पैर जोड़ दीजिए मरकट आसन सांस लेंगे कमर को लागी धीरे राम रस आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं देखिए इतना बना बनाया महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज स्कूल है तो बिछा बिछाया महाराज जी का कृपा कृपा हो रहा है अब दोनों पैर खोल दीजिए दोनों पैर बिस्तरा पवन मुक्त आसन करेंगे चलिए चलाइए दो दो बार करेंगे दोनों पकड़े दाहिना घुमाइए बायां घुमाइए कमर के लिए है जितना भी कर रहे हैं कमर के लिए मोटापा के लिए ये डेली करिए आधा आधा घंटा एक एक घंटा ये उठ जाइए इसे बैठ जाइए बेसरा अर्धलासन चलिए चलाइए एक एक पैर मुंह को बंद रखिए आँख से देखिए कान से सुनिए जीवन में फायदा लेना है तो चलिए चलाइए दोनों पैर नहीं बोलेंगे नहीं बोलने वाले नहीं ठीक है उधर माइक चल रहा है ये तो पता लगेगा कैसे हैं कि दुनिया वाले तो चलिए आप ही लोग कहेंगे चलिए उठाइए बेसरा लंबा दे रहा
दोनों पैर सेतु बंद करें, सेतु बंद आसन दो, ये कमर के लिए बहुत फायदेमंद है। ये समझिए 20 दफे करा दीजिए, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। जितना भी कमर का समस्या हो, साइटिका का समस्या हो, इसको श्वास लेते ही रोकना है। 6 सेकंड अब इसी को दोनों हाथों से लगा दीजिए, एक पैर ऊपर फिर दूसरे पैर सीधा, दो दो तो भाई बेसरा, इसी में चक्रासन एक दफे करेंगे, जितना हो सके कोशिश करेंगे, जितना हो सके। बेसरा 2, 3, 4, 5, 6 अब विपरीत 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाएं पैर दाहिने तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर विपरीत 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर दोनों पैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर विपरीत 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर आगे पीछे 1, 2 मुंह बंद 3, 4, 5, 6 फिर विपरीत 1, 2, 3, 4, 5, 6 दूसरा 1 फीट पैर उठाएंगे, 1 फीट सर को उठाएंगे, नौका आसन करेंगे, नौका आसन दोनों जांघों पर हाथ रखिए। जब तक हम विश्राम नहीं बोलेंगे नहीं छोड़ेंगे, एक सांस में रोकेंगे। चलिए उठाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 आप लोग से तगड़े तो सब महिला हैं, आप लोग सब कमजोर खाइए। महिलाएं कमर में कुछ बांध रही हैं कपड़ा, और इसी में हालात दो चक्री 1, 2, 3, 4 जल रहा तक पहुँचते 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 फिर विपरीत आते हैं दुनिया 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 बीसा सब आसन में लेट जाइए आनंदपूर्वक। हेलो, लंबा गहरा सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस, कमर के दाहिने बाएं हाथ ऊपर कर दीजिए, एक एक फीट पैर खोल दीजिए, सब आसन उसमें आराम पूर्वक चलेगा, सब आसन करिए, भगवान को याद करिए, अपने माता पिता को याद करिए, अपने पितरों को याद करिए, अपने देवी देवताओं को याद करिए, भगवान से कहिए हे प्रभु परमात्मा, हे ज्ञानदाता, सही जगह लगा दिया है, नित्य योग करिए,
आनंद पूर्वक 2 घंटा शरीर के लिए देंगे, आहार विहार को शुद्धि करेंगे, किसी को गलत नहीं कहेंगे और तन को शुद्धि करेंगे, शुद्धि करेंगे, धन को भी शुद्धि करेंगे, तन को योग से, धन को दान से, मन को ज्ञान से और शरीर को भोजन से। चलिए आनंद पूर्वक श्वास पर श्वास, अंदर की श्वास नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चलिए लंबा गहरा श्वास लीजिए, उसी श्वास में ढूंढिए प्रभु परमात्मा, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। एकदम एकाग्र हो जाइए, एकदम भूल जाइए शरीर में है या नहीं, आनंद हो। विश्राम, दोनों हाथ उठाइए, चलाइए पैर, चलाइए दाहिना, घूम जाइए बायां करवट लेके, फिर बायां दाहिने, फिर बायां करवट लेके उठ जाइए, दोनों हाथ। आइए इसी में भस्त्रिका करते हैं, अब 8 प्रणाम करेंगे, कुछ ज्ञान गुण की बातें करेंगे आहार विहार के लिए। चलिए आइए भस्त्रिका करते हैं। दो चार मिनट लेट हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, कपाल भांति में, जब कपाल भांति करेंगे आज भी। चलिए कम से कम 2-3 मिनट, 5 मिनट करना चाहिए इसको। ये ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, बाई मुद्रा, ये मुद्रा लगाइए, समस्या है तो मुद्रा लगाइए। चलिए भस्ती का करिए, शांत एकदम जीरो में आ जाइए। हार्ट का कभी समस्या हो तो इसी आसन में बैठ जाइए 5 मिनट डेली, कहीं इधर दर्द करे, कहीं इधर दर्द करे, पेट दर्द करे, पेट दर्द तो ठीक नहीं होगा लेकिन बाकी दर्द जो है सब खत्म हो जाएगा, लेकिन बैठना होगा। पेट दर्द तो खाली आहार विहार से, खाना क्या खाना है क्या नहीं खाना है यही ध्यान करना है, ठीक है। लंबा गहरा श्वास, अस्थमा दमा इसी से ठीक होता है। देखिए गौमूत्र का प्रयोग करिए, 4 से 5 महीने में जड़ से खत्म हो जाता है अस्थमा, लेकिन करना होगा सबको। जो निरोगी हैं 40 साल से ऊपर हैं सब गौ अर्क का प्रयोग करिए, 1 ढक्कन 2 ढक्कन अभी कर। इसी में दूध प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। आप लोग भस्त्रिका करते रहिए, आइए पवन भाषा भाई, आइए फास्ट आइए, दौड़ के जाइए। सुरेश जी आप भी जाइए, बत्ती जलाइए। बत्ती जले तो ताली बजा दीजिएगा, अभी नहीं, आनंद पूर्वक करिए। यही जीवन है, देखिए योग चित्त वृत्ति निरोधा अथा योगानुशासन। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सुबह 3 बजे उठिए, विश्राम। अब कपाल भाती करें, ठीक है, 5 मिनट
15 मिनट करना चाहिए, आधा आधा घंटा करना चाहिए। हाँ ठीक है, आइए 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 इसमें आइए। आदरणीय भाई साहब हमारे पवन अग्रवाल जी, ओ जैन जी, महाराजा अग्रसेन के अध्यक्ष भी हैं और कुशल व्यापारी भी हैं तिगुनिया के। समझिए हम तो भगवान का रूप देते हैं। देखिए बचपन से 40 साल से जान रहे हैं हम ओम का नाम। तो कुछ वाणी शब्द सुनाएंगे, आशीष वचन देंगे। एक तो भाई जोरदार ताली बजा के स्वागत कर देंगे। माइक्रोफोन तो सुना हो, कपाल भांति करते रहिए आप। हमारे आदरणीय योगाचार्य जी जिनको हम 40 साल से जानते हैं और इनका बचपन भी हमने देखा हुआ है, मगर जो आज परिवर्तन है इनमें वो इतना सराहनीय है कि हमको भी अनुकरण करना चाहिए। और हमारे पड़ोस मित्र देश से आकर भी ये सुबह सुबह और हमसे पहले आ जाते हैं और अपने हम अपने घर से नहीं आ पाते। और टाइम का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए इनको देखकर। किसी को भी एक हम लोग एक अपना वो बनाते हैं, तो हम लोग रात में सोते थे तो मैं लाला मुरारीलाल जी को सुबह देखता था कि अरे वो तो घूमने चले गए, हम बैठे सो रहे हैं, तो उनको देख कर उठ जाता था मैं उनको देख कर उठ जाता था। तो अपने को किसी न किसी को देख कर कुछ न कुछ जरूर परिवर्तन आते नहीं, हमें योग में जरूर जरूर रहना चाहिए और हम इतने भाग्यशाली हैं जो हमें बिछा बिछाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें तो क्या है, दोनों हाथ बजाना है। दिन भर जितना जोड़ते रहेंगे उतना फायदा होगा जीवन में। देखिए अंगुली माल भी कितना खतरनाक था, अंगुली माल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो वो लोगों की अंगुली काट काट के माला बना के पहनते थे, डाकू था वो। ऐसे लोग हमारे समाज में उस समय एक अंगुली माल था, अब तो लाखों हैं। वही अंगुली माल जब गौतम बुद्ध के शरण में गए क्या बने, अंगुली माल क्या बने थे, वाल्मीकि ऋषि बने थे। आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग तो सत्संगी आदमी हैं, सहकारी आदमी हैं। वाल्मीकि ऋषि अंगुली माल जब वाल्मीकि ऋषि बन सकता है तो पुष्कर खड़का क्यों योगी नहीं बन सकता है। तो इसी धरती पर वो भी जन्मे देगी। उन्होंने तो हजारों लाखों आदमी का हत्या किया, हत्या करने के बाद आज दुनिया उनको पूज रही है वाल्मीकि ऋषि से। हमने तो इतना हत्या तो नहीं किया, लेकिन आज आपके सानिध्य में देखिए भगवान की कृपा है, आज्ञा में हमने ब्रह्म ज्ञान को वो प्राप्त किया है। तो आज्ञा में नहीं रहेंगे, कोई बिना ज्ञान के अगर गलती करता है तो उसको भगवान माफ कर देता है, अज्ञानी लोगों को माफ कर देता है भगवान भी। अगर सत्कर्म करके ज्ञान लेके साधना करके अगर हमारे भी नेत्र अगर हम भी जीवन में गलत काम करते हैं तो भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। देखिए कभी माफ नहीं करते, घर की घरवाली को तू करके बात करते हैं लोग। जो तू करके बात करता है ना सबसे गिरा हुआ इंसान है वो धरती पर। देवी माता सरस्वती भगवती का रूप है, जिस माँ ने हमने हमको जन्म दिया उसी माँ को आज तू कह रहे हैं। माँ का ममता कितना है। हिरण ने बच्चा पैदा किया, देखिए हिरण ने बच्चा पैदा करते ही करते आधा अंग बच्चे का बाहर है और आधा अंग देते ही देते शेर आए, शेरनी आ गई उसको खाने के लिए। आते ही देखती है क्या है, बच्चा पैदा होते ही छोड़ के उस साल को दौड़ के चली जाती है माँ। उस जो बच्चा आधा शरीर जमीन पे आधा शरीर माँ, वो भाग जाती है माँ और उसके बाद शेरनी आती है। चलाइए ये गैस्ट्रिक कब्जियत खत्म होता है इससे ये पैर दोनों हिलाने से। न्यूरोथेरेपी में गैस्ट्रिक कब्जियत सीख लीजिए। देखिए हमने आज से 35 साल पहले दो चीज सीखा था। चाइना के डॉक्टर आए थे इलाहाबाद में,
35 से ज्यादा हो गया, 40 साल का करीब हो गया। तो हमारे भाई साहब थे हमसे, वो 40 ही साल बड़े थे हमारे भाई साहब। चलिए सर आइए। तो सिखाया था हमने पेट दर्द के लिए और सर दर्द के लिए। देखिए 40 साल पहले सिखाया, कभी नहीं कही। अब इसमें योग में काम आ रहा है। बहुतों लोगों को सिखाया, जीवन बदल गया। देखिए अब हम तो कहीं दर्द करता है तो भोजन छोड़ देते हैं, पानी का मात्रा बढ़ा देते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं। पता नहीं श्वास चला जाए, भरोसा नहीं है। हम डर के चलते हैं कभी कभी, जब छाती कभी कभी दर्द करने लगता है तो क्या सोचते हैं, अब टाइम आ गया क्या? तो हम बैठ जाते हैं ध्यान में, श्वास पर श्वास को देखने लगते हैं। अंत मता सो गता, चलिए चलाइए। नहीं तो अभी शमशान घाट में होते, अस्पताल में होते। अस्पताल में तो नहीं होते, शमशान घाट में होते। बहुत प्रयत्न पेशाब करके घूम रहे होते। ये चलाइए, चलिए चलाइए। हमको अभी जिंदा ही है। हम हफ्ते में 2 दिन जाते हैं, शाम को 1 घंटा खड़ी हो जाती, बैठ जाती है। चश्मा नहीं है, कुछ नहीं है, बढ़िया। सरकार उनको 16,000 देती है 4 महीने में, और तीनों बेटों को 4,000 बांट देती है। देखिए अभी भी ऐसे। हमारे तो छोटे छोटे हैं लेकिन बाहर है, क्या खिलाइए, यही खिलाते हैं। देखिए कितना आनंद आता है, डेली खिलाइए, कितना आराम था। अब तो सब बंद कर दिया हमने तो, बना रखा अभी तक तो है, देखिए बाद में क्या होता है। चलाइए, कुछ लगाइए पेड़ पौधे। दिन में एक, साल में 365 पेड़ लगाइए, गौशाला में लगाइए, मंदिर में लगाइए, स्कूल में लगाइए, सखिया में चलाइए। चलाइए चलती चाकी देख, जो बटरा भलाई करते हैं ना, हमारे कन्या माता जो है उनके लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, बच्चा पैदा करने के लिए समस्या नहीं, घर पे हो जाता है। और छेमुखी रुद्राक्ष गर्भवती महिला को पहना दीजिए, देखिए पता ही नहीं लगता है। नहीं तो आजकल सीजर ज़्यादा हो रहा है। हमने तो सुना कहीं, एक बाल संत थे पूर्वांचल में, भागवत चल रहा था, उन्होंने सुनाया रुद्राक्ष भी पूर्वांचल में, भागवत भी पूर्वांचल में, हम पश्चिम के गए थे। उन्होंने पूछा बैद्यनाथ धाम कहाँ पड़ता है, तो कोई अभी आप लोग कह देंगे तो गोला गोपड़ मानो, ऐसे बोलेंगे ना आप बोलेंगे गोला गोपड़नाथ। बैद्यनाथ धाम गोला गोपड़नाथ से नज़दीक है, सामने देखिए आसाम जिला में पड़ता है, हमको नहीं मालूम था। हाँ तो शास्त्र में लिखा गया था, ढूंढा गया था, मिला हुआ तो कोई है कहा, तो हमें थोड़ा मालूम था, सुने थे, अगले दिन सुनाया था, ये तो जिला हमारे यहाँ है। तो हम खड़े हो गए, तो बाल संत ने बुलाया। बाल संत का मतलब समझते हैं ना आप लोग? हाँ, 2 साल की उम्र में से वो संत हो गए, अभी भी हैं वो, पैदल चलते हैं, जैसे जैन धर्म के चलते नहीं ऐसे ही चलते, वो पैदल चलते हैं। फिर तो क्या चांदी हो गई, 5 किलो ले आया था मैं, और 5 किलो को पैसे दे दिया, 2 पीस लिया गया, एक ही आदमी दे दिया। उसके बाद तब से बांट रहे हैं, जितना बांटते हैं उतना ही मिलता रहता है, कभी किसी से पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में बांटते। चलाइए, चलाइए, खूब चलाइए। ये भी गैस्ट्रिक कब्जियत के लिए बहुत बढ़िया, लेकिन करना होगा। लेकिन तब भी अब ये, अब हम उस विषय का आदमी है इसीलिए करा देते हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए कुछ तो फायदा होगा, करेंगे तो कुछ तो फायदा होगा, 1.5 मिनट ये होगा, फिर उसके बाद 1.5 मिनट, इतना डेली चलाइए।
यूट्यूब पर देख लीजिए, स्वामी जी का आता है, हम लोग का आता है, डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो बनाइए, घर में करिए। 2-4 मिनट लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आराम से चलाइए। कम से कम 2 घंटे में पूरा हुआ, आदत पड़ा हुआ, वो चाहे जितना भी जल्दी करना चाहे हो नहीं सकता, बोलना भी जरूरी है। सुरेश जी एक चुटकुला याद कर लीजिए, आज आप सुनाएंगे, सबका नंबर लगेगा, एक एक आप लोग भी याद करिए, ठीक है, कल पूजा याद करके आप, उसमें हम भी पढ़ते हैं, हम आपके लिए नहीं कह रहे, हमारे लिए कह रहे। चलिए चलाइए, तो संयम रखना होगा कन्या राशि को, इसमें इतना धैर्यता होता है कुछ कुछ। चलिए चलाइए, दानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अब इसको घुमाइए, बिस्रा संपूर्ण को। अब आसन तरफ जाएंगे, एक शीर्षासन करेंगे, ठीक करेंगे तीनों लोग, तब तो है आनंद। आप लोग भी खड़े हो जाइए, वृक्षासन करें, बायां पैर एक एक दफे करेंगे, समय नहीं है। चलिए बैठिए, हो गया उसमें सूक्ष्म व्यायाम हो गया, अब क्या है बाकी है, अभी बाह्य प्रणाम बाकी है, भस्त्रिका किए थे पहले, उसके बाद कपाल भाती, अभी सूक्ष्म व्यायाम, अब बाह्य प्रणाम, उज्जयी प्रणाम, उसके बाद हम लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा चलाइए, थोड़ा समय लेंगे, 2-4 मिनट। विश्राम, अब उल्टा, विश्राम लगाइए, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, कोई भी मुद्रा लगाइए, एक ये भी लगा सकते हैं, लेना है छोड़ना है, फिर इसी से लीजिए, सिंहासन, कमर को थोड़ा ढीला कर दिया, सिंहासन कर दिया, पकड़ी माइक, पकड़ी माइक, माइक पकड़ी, चलिए हाँ।
याद नहीं है, इसलिए एक दफे जोरदार ताली बजा के स्वागत करना चाहते हैं। निरंतर चलेगा आजीवन, सबने घोषणा किया है महाराज अग्रसेन ने। अब चुटकुला सुनेंगे, एक चुटकुला सुनाएंगे, उसके बाद हास्यासन करेंगे। चलिए। ओ एक बार एक बार ट्रेन में एक हरियाणा का जाट सफर कर रहा था, और उसमें फिर एक सरदार जी भी आगे बैठ गए, उनके भी वो पड़ोस भी आगे बैठ गए। तो सरदार जी अपनी पंजाबी भाषा में उससे पूछते हैं, ओ पाजी तुहाडा केड़ा पिंड? तो वो जाट पंजाबी नहीं जानता था, वो कह रहा भाई मेरे ऐसे हाथ हिला दिया, भाई मुझे नहीं पता। फिर उसने पूछा, ओ पाजी ये दसो तुहाडा केड़ा पिंड? अब वो जाट बेचारा पंजाबी जाने ना, फिर उसने भाई हाथ हिला दिया, भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे। फिर तीसरी बार भाई पंजाबी महोदय ने पूछ लिया, ओ पाजी तुहाडा केड़ा पिंड? अब जाट को आई गुस्सा, जाट ने अपनी पोटली खोल दी, बोला साडा चुरमे दा पिंड। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हो गया, दूसरा बनाइए, इनका दूसरा बनाइए, कट करके हरिराम जी उसको कट करके दूसरा बनाइए। आज की कुछ पंक्तियों से आप सभी को जोड़ते हुए सुरेश जी के जीवन की एक अनमोल घटना सुनाता हूँ। चलिए। फिर सपने में भगवान कृष्ण जी मेरे आए, बोले कि मैं फिर से अवतरित होना चाहता हूँ। मैं बोला प्रभु कलयुग है ना, ये अच्छा है। कारण मैंने बताया, अगर अच्छा लगे तालियां बजा दीजिएगा, वरना हमको बजा दीजिएगा। इस महंगाई में कन्हैया यदि आए कहीं, इस महंगाई में कन्हैया यदि आए कहीं, महंगाई में रोटी दाल मार डालेगी, और रथ न मिला तो नैनो कार से चलोगे, तब ब्रेकरों की राह में उछाल मार डालेगी। अब बूढ़ी बूढ़ी दादियां है जींस पैंट में चल रही, सच कहता हूँ आपको चाल मार डालेगी। और दो दो सिम वाले हैं मोबाइल इन गोपियों के पास, और सारी सारी रात मिस काल मार। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे केशवलाल भाई। एक विलक्षण घटना है, शादी के कुछ ही अंतराल के बाद, बच्चे नहीं थे इनके, लखनऊ घूमने के इरादे से गए। मैडम जी ने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, सजाद है। हमारे जैसे एक टपोरे मिल गया चारबाग रेलवे स्टेशन पे, घूर के देखने लगा मैडम जी को, इनको बुरा लगा, इन्होंने उसको टोका और रोका। बोले क्या समझते हमको देख रहे हो हमारी धर्मपत्नी? मैं धर्मपत्नी को नहीं देख रहा हूँ, मैंने इतनी सुंदर साड़ी कभी नहीं देखी। और फिर ये बोले साड़ी नहीं देखी, इतनी गुलाबी साड़ियाँ स्त्रियाँ पहनती हैं, इतनी इतनी सुंदर साड़ियाँ आ रही, तुमने गुलाबी साड़ी नहीं देखी? बोले साड़ी तो देखी, लेकिन एक हवाई अड्डे, वो हवाई जहाज छपे हुए थे इनकी साड़ी में, तो बोले बोला कि एक हवाई अड्डे पे एक साथ इतने हमने हवाई जहाज कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बहुत जोरदार ताली बजाएंगे स्वागत करते हैं। चलिए चलिए साथ में सब मिलकर करेंगे। ओम देह शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापह शांति, रोषदय शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवाय शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगम शांति, श्यामा शांति रिधि। नमस्ते मंद्रा में एक दफे ओम कहेंगे। ओ इसी में वंदना करेंगे। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या गर्वं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव।
तमे व सर्वम मम देव देवा, तमे व सर्वम मम देव देवा, कर्पूर गौरम कर्मावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतान नमामी, भवम भवानी शैतान नमामी, भवम भवानी शैतान नमामी, सदा भवानी दाहिनी रहे सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, भारत माता की जय, नेपाल पशुपतिनाथ की जय, पवित्र भूमि की जय, पवित्र आत्माओं की जय, महाराजा अग्रसर महाराज की जय, अपने अपने गुरुजन की जय, साधक साधिका की जय, अपने अपने माता पिताओं की जय, अपने अपने पुत्रों की जय, तिकुनिया वासी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, धरती माता की संपूर्ण को सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्यप दुख भाव भवे ओम शांति 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 ओम सबका दिन सुखमय बीतो धन्यवाद संपूर्ण को सतगुरुदेव भगवान की आज का सेवा समाप्त कल सुबह फिर पाँच बजे सबको